सब कुछ बदल दूंगा, एक एक चीज बदल दूंगा, एक एक चीज बदल दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा, सब करके देंगे पूछ। तो गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जय ऑटो रामा रोड में आपका स्वागत है। आज गाड़ी आई है हमारे पास स्कॉर्पियो 2016 मॉडल गाड़ी आई है नेपाल से। गाड़ी की आप कंडीशन देख सकते हो, गाड़ी किस हालत में हमारे पास आई है, पूरा आगे से खड़खड़ी है, साइड से भी पूरी खटपटी है, देख सकते हो मिरर की क्या हालत है, पूरी गाड़ी एकदम तहस नहस है, पूरी बेजान गाड़ी है, देख सकते हो पूरी गाड़ी अंदर से भी बुरा हाल है गाड़ी का। गाड़ी के अंदर थोड़ा बहुत काम स्टार्ट कर दिया, डैम्पिंग हमने कर दी है, डिग्गी हमने खोल दी है जो कि अब कन्वर्ट होगी, नेपाल से ये गाड़ी आई हुई है देख सकते हो। तो जो इस गाड़ी की हालत है 2016 मॉडल की, कस्टमर बड़ा परेशान थे कि भाई क्या करूं इस गाड़ी का कैसे होगी। उन्होंने हमारी वीडियोस देखी और उन्हें लगा कि बस यही एक बंदा है जो मेरी महिंद्रा जेन्युइन पार्ट के साथ गाड़ी को कन्वर्ट कर सकता है और इस गाड़ी में नई जान डाल सकता है। तो उसके भरोसे को हमें खरा उतरना है और इस गाड़ी को हमें इस तरह से तैयार करना है कि और भी भाई जो जिनके पास स्कॉर्पियो ओल्ड मॉडल है वो ज्यादा पैसे नहीं खर्च करके कम पैसों में अपनी गाड़ी को बेस्ट टू टॉप या कन्वर्ट करा सकते हैं। तो भाई आए हैं नेपाल से, तो भैया अपना परिचय दीजिए। नमस्कार संपूर्ण, हम सत्कृत बजगाए हेटौडाबाट नेपाल, यहाँ से आज हम स्कॉर्पियो बनाने आए हो। तो भाई साहब देख सकते हो भाई नेपाल से आए, तो ये भाई नेपाल वाले भाइयों को कह रहा है कि जरूर गाड़ी बनवाने के लिए आप जाटो पे आइए और सोनू भाई मिलेगा आपको जाटो पे। कौन मिलेगा? सोनू भाई। और क्या करेगा सोनू भाई आपकी गाड़ी का? फुल रिपेयर मॉडिफाई करेगा। और किस तरह से? जब ये गाड़ी किस हालत की है? बिल्कुल बहुत बेकार बेकार। जब ये भाई लेके जाएगा तो इनके चेहरे पे बिल्कुल बहुत शानदार स्माइल देने वाले हम। वीडियो में बने रहिए, इस गाड़ी की पूरी मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाता हूँ, उसके लिए आपको बना रहना इस वीडियो में। भैया तो गाड़ी में हो चुका काम स्टार्ट, गाड़ी की फुल मॉडिफिकेशन हो गई चालू। तो भाई गाड़ी को जो बनाएंगे ना लेवल गाड़ी का बहुत ही शानदार बनाएंगे, पूरी गाड़ी की एक एक चीज टॉप मॉडल करेंगे, एक एक चीज टॉप मॉडल करके देंगे आपको, कोई ये नहीं कि छोटी मोटी चीज, सब करके देंगे पूरा, सब कुछ नया करके देंगे भैया, कोई भी पुराना माल नहीं रखने देंगे, 2017 सब 2024 करके देंगे, देखो डिग्गी विग्गी सब 2024 करके देंगे पूरी। तो गाड़ी को ऐसी बनाएंगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे, गाड़ी को करने वाले 8 साल आगे, दिल्ली से जाएगी गाड़ी नेपाल, पूरे रास्ते में सब देखते रहेंगे भाई कोई गाड़ी आई है दिल्ली से बनके। सब कुछ बदल दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा पुराना इस गाड़ी में, सब कुछ बदल दूंगा, एक एक चीज बदल दूंगा, एक एक चीज बदल दूंगा। तो देखना चाहते हो क्या लुक निकल के आएगी? फाइनल वीडियो है, फाइनल हो चुकी है गाड़ी। तो गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जय ऑटो रामा रोड पर आपका स्वागत है। आज आपको दिखा रहा हूं मैं नेपाल की रानी जो आपने देखी थी, जिसकी तोड़फोड़ चली थी, बम्पर वम्पर खोला था सारा, उस गाड़ी का कंप्लीट वर्क हो चुका है। कम से कम एक हफ्ते बाद गाड़ी का काम पूरा होने के बाद गाड़ी का लुक देख सकते हो आप किस तरह से आ रहा है। गाड़ी पूरी चेंज हुई है आगे से लेके पीछे साइडें, और इंटीरियर भी पूरा पेंट का काम हुआ है। तो गाड़ी जो तैयार हुई है उसका एक 360 हम आपको दिखाते हैं पूरा किस तरह से गाड़ी चेंज हुई है। पूरी बम्पर आगे पेंट, आगे की हेडलाइट पूरी क्लासिक की लग गई है, DRL फोग लाइट पूरा कंप्लीट, फ्रंट ग्रिल भी पूरी चेंज करके दे दी है, इसके अंदर चेंज कर दिए और पूरा कंप्लीट आगे से चेंज हुआ मैं आपको दिखा दिया है। साइड प्रोफाइल में अगर आप आएंगे तो साइड प्रोफाइल में इसके अलॉयज हमने लगा दिए हैं ब्रिजस्टोन टायर के साथ, फुटेज किसी के सेम रहने दिए हमने, साइड प्रोफाइल का पट्टा पूरा क्लासिक वाला चेंज कर दिया, ORVM चेंज कर दिया हमने, रूफ रेल नहीं लगा दिया, रूफ रेल पुरानी लगी हुई थी, पूरी गाड़ी साइड से पूरी कंप्लीट पेंट है।
डोर वाइजर चेंज करके लगा दिया, पूरी गाड़ी को साइड से 11 की लुक दे दी है। रियर प्रोफाइल में आएंगे तो रियर प्रोफाइल में जो हमने स्पॉयलर्स का चेंज करा है, बम्पर पट्टा लगाया, बम्पर पूरा पेंट करा, रिफ्लेक्टर लगाए, टेल लाइट है बहुत हमने चेंज कर दिए हैं, जो कि आपकी स्मोक कलर में सिक्वेंशियल वाली इसके अंदर हमने लगा दी है, जिसकी लुक अलग ही निकल के आ। अभी पूरा फंक्शन इसके मैं आपको पूरी डिटेल में जब बताऊंगा तो पूरे फंक्शन इसके दिखाऊंगा। और साइड से हमने इसके वेंट भी देख सकते हो पियानो ब्लैक कर दिए जो कि क्वार्टर ग्लास में आते हैं। तो ओवरऑल गाड़ी के मैंने आउटर आपको दिखा दिया है, एक सिंगल लुक आपको तो इंटीरियर की दिखाता हूं मैं आपको कि इस तरह से गाड़ी का पूरा कंप्लीट हमने काम करा है। और पूरी डिटेल अब फ्रंट प्रोफाइल से मैं स्टार्ट करता हूं किस तरह से हमने गाड़ी में मेहनत करी, क्या काम किया और गाड़ी किस तरह से, इस तरह से गाड़ी पूरी की लुक पूरी चेंज हो चुकी है। तो भाई और शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल में जो हमने चेंज करा है, सबसे पहले आप बम्पर देख सकते हो, बम्पर इसका पूरा क्लासिक वाला हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, पूरे फोग लाइट प्लस DRL पूरी क्लासिक वाली इसमें कन्वर्ट कर दी है, ग्रिल भी उसकी पूरी चेंज कर दी है और हेडलाइट भी चेंज कर दी है। हेडलाइट को छोड़ के अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट प्रोफाइल पूरी तैयार हो जाती है जी 30,000 रुपये में, पूरे कंप्लीट आपको मैं देता हूँ और वो भी महिंद्रा जेन्युइन पार्ट के साथ, जिसमें आपका बम्पर, नीचे की स्क्रीन, बीच की ग्रिल, ऊपर की ग्रिल, फोग लाइट, DRL और बम्पर पेंट, पूरी ग्रिल पूरी आ गया फ्रंट प्रोफाइल 30,000 रुपये में कंप्लीट तैयार रहते हैं। लोग चिल्लाते हैं 40,000 में नहीं भैया, 30,000 में पूरा फ्रंट से आपको क्लासिक बना के दे देते हैं विदाउट हेडलाइट। हेडलाइट की कॉस्टिंग की बात करूँ तो 14,500 रुपये में आपको हेडलाइट मिल जाएगी। तो इस तरह से फ्रंट प्रोफाइल पूरी मैंने आपको डिटेल में बता दी कि फ्रंट प्रोफाइल में इस तरह से हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब लेके चलता हूँ आपको साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हो अलॉयज S11 वाले लगा दिए हैं, जिसकी कॉस्ट अभी जो रिसेंट चल रही है 28,000 से 30,000 रुपये चल रही है, जो कि आज से पहले 20,000-18,000 में मिलता था, इसकी कॉस्टिंग बढ़ गई है, अभी 28,000 से 30,000 की रेंज में मिलते हैं। साइड वेंट भी देख सकते हो हमने पूरा क्लासिक वाला सिल्वर इस तरह से कर दिया है, साइड पूरा पेंट कर दिया है, साइड के पट्टे भी हमने जो हैं पूरे क्लासिक वाले इसके अंदर चेंज कर दिए हैं। ORVM इसके अंदर हमने इंडिकेटर वाला लगा दिया है प्रॉपर तरीके से, जो कि एडजस्टेबल मिरर वाला है। साथ में डोर वाइजर देख सकते हो प्रॉपर तरीके से आप हमने इसके अंदर लगा दिया। रूफ रेल महिंद्रा जेन्युइन प्रॉपर होल करके विथ फिटिंग के साथ 5,500 रुपये में आपको मिलने वाली है, जो कि प्रॉपर महिंद्रा जेन्युइन रहती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और बैक प्रोफाइल में आ जाओ भैया, बैक प्रोफाइल की बात करूँ तो पूरी डिग्गी आप देख सकते हो, पूरी डिग्गी इसकी हमने चेंज कर दी है। डिग्गी के साथ साथ इसके अंदर हमने टेल लाइट देख सकते हो और पिलर लाइट देख सकते हो, जो कि हमने सिक्वेंशियल वाली इसके अंदर लगा दी है, जिसका अभी मैं आपको पूरा रिव्यू दिखाता हूँ। वाइपर देख सकते हो प्रॉपर वाइपर इसके अंदर एक्टिवेट कर दिया, डिफॉगर इसके अंदर लगा हुआ था मगर दूसरी डिग्गी में करके हमने इसको चेंज कर दिया है। पूरी पिलर देख सकते हो, पीछे बम्पर पट्टा आप देख सकते हो प्रॉपर फिटिंग के साथ हमने दे दिया है, रिफ्लेक्टर आफ्टर मार्केट इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, देख सकते हो गाड़ी कहाँ की है, नेपाल नंबर, जय गणेश महाराज। तो इस तरह से हमने प्रॉपर तरीके से तैयार कर दिया। इसके साथ साथ इसके अंदर हमने जो कैमरा लगाया प्रॉपर महिंद्रा जेन्युइन वाली जगह पर लगाया है, साथ ही साथ देख सकते हो इसका प्रॉपर हमने स्पॉयलर जो है महिंद्रा जेन्युइन वाला विद होल के साथ इसके अंदर लगा दिया, वो भी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फिटिंग के साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सिक्वेंशियल टेल लाइट की किस तरह से वर्किंग करती है। तो टेल लाइट आप देख सकते हो स्मोक कलर की इसके अंदर टेल लाइट लगी हुई है, जो कि सिक्वेंशियल चलती है, मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं प्रॉपर तरीके से। एक बार चला के दिखाओ इसे ज़रा, देख सकते हो किस तरह से सिक्वेंशियल टेल लाइट चलती है पूरी प्रॉपर तरीके से, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक टेल लाइट प्लस पिलर लाइट दोनों सिक्वेंशियल चलती है, बहुत ही बेहतरीन लगती है ब्लैक गाड़ी में, और रेड गाड़ी में तो और भी शानदार लगती है, और वाइट की तो मैं बात ही क्या कहूँ। और आप देख सकते हैं वाइपर इसके अंदर पूरा वर्किंग है, डिफॉगर इसके अंदर वर्किंग है, वाटर स्प्रे के साथ रहता है, वाटर स्प्रे शायद नहीं है गाड़ी के अंदर इसलिए चल नहीं रहा है, चल गया। और साथ ही साथ इसमें ब्रेक लाइट भी लगी है, जो कि ब्रेक लाइट ब्रेक दबाने पर भी चलती है। तो देख सकते हो डिफॉगर प्लस वाइपर पूरा एक्टिवेट हमने इसके अंदर करके दिया है, पूरी गाड़ी हमने जो आउटर से आपको पूरी दिखा दी है, और वो भी सारा महिंद्रा जेन्युइन प्रोडक्ट हमने लगाया है। और कोई कहता है भैया कि महिंद्रा जेन्युइन नहीं है, गारंटी से कहते हैं महिंद्रा जेन्युइन है, जहाँ तक कि डिग्गी भी हम महिंद्रा जेन्युइन और ब्रांड न्यू भी डिग्गी लेते हैं, कई लोग पुरानी लगा के काम चला देते हैं, मगर हम कहते हैं पुरानी नहीं चलानी, बिल्कुल नई लगा के काम चलाना है, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से महिंद्रा जेन्युइन के साथ इनसे रेडी करते हैं। तो भैया फ्रंट प्रोफाइल आपने देख ली, साइड प्रोफाइल देख ली, रियर प्रोफाइल देख ली, तो सारी प्रोफाइलें देख ली आपने, अपर प्रोफाइल भी देख ली, लोअर प्रोफाइल में हम कुछ करते नहीं है,
अब आपको लेके चलता हूँ इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर में हमने ड्यूल टोन में इसके अंदर वर्क किया है, पूरा प्रॉपर तरीके से बहुत शानदार दिया। इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती, मगर नई की तरह नहीं आती, मगर बहुत अच्छी है, अच्छी भी लगती है। पुरानी गाड़ी से तो बहुत ही बेटर होती है कि क्वालिटी निकल के आती है। आप देख सकते हैं डोर पैनल इसके अंदर लगा हुआ था, पूरा चेंज करके हमने इसके अंदर ड्यूल टोन में ब्लैक प्लस मैरून कलर में इसका कर दिया। साथ ही साथ इसकी कॉम्बिनेशन के साथ हमने इसके अंदर वुडन भी करा रेड प्लस ब्लैक चेरी के साथ, और डोर पैनल इसके अंदर हमने स्टिच करके लगा दिया सीट कवर की मैचिंग के लिए। और एम्बियंस लाइट देख सकते हो आप किस तरह से बेहतरीन इसके अंदर लुक दे रही है। और सीधा चलते हैं अंदर, तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसके अंदर वेलकम लाइट जो कि पूरी प्रॉपर स्कॉर्पियो बेजिंग के साथ मिलने वाली है। और अंदर देख सकते हो फ्लोरिंग इसके अंदर क्रोकोडाइल की हुई है जो कि आजकल चल रही है, बहुत ही बेहतरीन फ्लोरिंग है ये, पूरी प्रॉपर फिटिंग के साथ मिलने वाली है। आ जाओ सीधा स्टेयरिंग पे, स्टेयरिंग देख सकते हो पूरा S11 वाला कर दिया। बस इसके अंदर हमने जो चेंज किया ड्यूल टोन में इसे तैयार करा, यू पियानो की जगह हमने वुडन में कर दिया, बीच का हमने इंटीरियर के हिसाब से इसको हब कर दिया, और स्टेयरिंग बटन हमने महिंद्रा जेन्युइन इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, और पूरी गाड़ी को हमने ड्यूल टोन में ऊपर रूफ ब्लैक कर दिया है, आगे डैशबोर्ड ब्लैक कर दिया। पूरा डिटेल में अंदर आ जाओ, अंदर से दिखाता हूँ। तो भैया देख सकते हो डैशबोर्ड को कर दिया ड्यूल टोन में, पूरा मैरून प्लस ब्लैक डैशबोर्ड में आप देख सकते हो। डैशबोर्ड को ऊपर से कर दिया हमने ब्लैक कलर से रैप विथ स्टिचिंग, देख सकते हो कितनी बेहतरीन स्टिचिंग है। और एम्बियंस लाइट तो ऐसा लुक देती है जैसे कंपनी से प्रॉपर तरीके से लग कर आई हो। गाड़ी की क्वालिटी बहुत ही शानदार निकल कर आई है, और इसके अंदर जो क्वालिटी आपको दिखा रहा हूँ मैं, और सामने वीडियो में देखने और सामने देखने में बहुत ही फ़र्क आता है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी सामने से देखने से नज़र आ रही है। गाड़ी थी 2016 मॉडल और इसको बना दिया हमने 2024, मतलब गाड़ी को कर दिया हमने 8 साल आगे। देख सकते हो गाड़ी के अंदर लुक कितनी शानदार आ रही है, आप पूरी वीडियो देख सकते हो प्रॉपर तरीके से, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। पूरी रूफ देख सकते हो किस तरह से हमने वेलवेट लगा के ब्लैक करी है, छोटे से छोटा बटन भी आप देख सकते हो पूरा प्रॉपर ब्लैक करके दिया है हमने अंदर। सामने सनसेट भी देख सकते हो पूरा ब्लैक, सारे पिलर देख सकते हो पूरा ब्लैक करके दिया है, छत लगाई है वेलवेट से, और अपने डोर ट्रिम जो ऊपर वाली ये ट्रिम्स है इसको कर दिया ब्लैक पेंट से, डैशबोर्ड करा रैप, और नीचे का हाफ बॉडी करी है पेंट मैरून कलर की। अगर सीट कवर की क्वालिटी की बात करूँ तो सीट कवर की क्वालिटी आपके सामने है, थाई सपोर्ट कितनी शानदार है, और फिनिशिंग की बात करूँ तो फिनिशिंग बहुत ही बेहतरीन है। आप देख सकते हो स्टिच बिल्कुल 0 to 0 है इसके अंदर, और कपड़े की क्वालिटी की गारंटी हमारी 5 साल की, अगर कोई कमी आती है तो हम बैठे जिम्मेदार उसको, पूरी सीट चेंज करके आपको देंगे। और देख सकते हो सेंटर कंसोल भी हमने इसके अंदर रेड एंड ब्लैक में इसके अंदर कॉम्बिनेशन के साथ कर दिया, आर्म रेस्ट इसके अंदर हमने ऐसा बेहतरीन क्वालिटी के साथ लगा दिया। आगे आगे की सीटें नहीं हमने बेहतरीन बनाई है, पीछे की सीट भी आप देख सकते हो जो कि बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ आर्म रेस्ट विथ आर्म रेस्ट इसके अंदर हमने करके दिए। अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तो इसके अंदर हमने लगाया है एंड्रॉयड 2/32 जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया। आगे लगाए पाइनल के कॉम्पोनेंट, पीछे ओवल बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के, और पूरी गाड़ी हुई है प्रॉपर जोटम के साथ 2.3 mm की डैम्पिंग के साथ, जो साउंड सिस्टम प्लस गाड़ी की स्ट्रेंथ को बहुत ही हैवी बनाता है। 2.3 mm जोटम की हमने इसके अंदर डैम्पिंग की है जो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेंथ देती है गाड़ी को। तो देख सकते हो ये थी S6 Plus की डिग्गी जो कि हमने चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ, क्लासिक 11 वाली डिग्गी में चेंज कर दिया प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फिटिंग के साथ। जो इसका मिरर था रियर ग्लास था वो सेम हमने वही रखा है, और पूरी डिग्गी चेंज कर दी है। पूरी डिग्गी में चेंजेस करने के बाद जैसे वाइपर देख सकते हो पूरा वाइपर हमने चेंज करके वही सेम जगह पे इसके अंदर वाइपर लगा दिया प्रॉपर तरीके से पूरी प्रॉपर फिटिंग के साथ। और जो इनका रियर ग्लास था वो सेम हमने डिफोकर वाला करा, और इसके अंदर वायरिंग प्रॉपर तरीके से हमने किया जैसे कि महिंद्रा जेन्युइन के साथ होती है, क्योंकि हम जो वर्क करते हैं पूरा हमारा कॉन्सेप्शन रहता है कि महिंद्रा जेन्युइन की तरह ही वर्क करें। तो भैया गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है, डिलीवरी का टाइम आ गया, भैया आ गए गाड़ी नेपाल से लेने। गाड़ी का पूरा 7 से 8 दिन में काम कंप्लीट हुआ है, गाड़ी बनानी थी रानी, और पूरी कोशिश करी है भैया नेपाल की रानी बना दें। पूरी गाड़ी का कंप्लीट वर्क होने के बाद भैया को देखने में कैसा लग रहा है, फीडबैक भैया ही से लेंगे, मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगूँगा, भैया बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और जो ओरिजिनल फीडबैक है भैया वो देना, किस तरह से आपने मेहनत करी, कितनी कमियाँ थी, मैं खुद बोल रहा हूँ भैया बहुत कमियाँ थी, कहीं पे पेंट की कहीं पे किसी चीज़ की, भैया ने एक एक चीज़ पूरी कंप्लीट करवाई अपने पूरी मेहनत से, पूरे 4 से 5 घंटे लगवा के पूरी फिनिशिंग करवाई है, और गाड़ी मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। बाकी भैया बताएंगे, भैया कितने दिन हो गए आपको गाड़ी छोड़े हो, 7 से 8 दिन हुआ है, 7 से 8 दिन हो गए, 8 दिन हुआ है। छोटा छोटा छूटा चीज़ भी हम बैठ के काम पूरा कराए हैं, बढ़िया सी करा दिया है काम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन गाड़ी बनाने के लिए आइए जय ऑटो ही चूज कर लीजिए, बात करके बैठ के आराम से सोनू भाई के पास, सोनी भाई के पास आना पड़ेगा और सोनू भाई को छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ बैठ के मस्त इनके सामने गाड़ी बना दीजिए, बस बढ़िया बनाते हैं भैया। भैया अगर नेपाल से कोई बंदा गाड़ी कन्वर्ट कराने आया तो कहाँ पे आना पड़ेगा? जय ऑटो रामा रोड भाई, सोनू भैया और हमारा चौंडा भाई के पास आना चाहिए। तो भैया करने वाले तो बहुत लोग हो गए, 30,000 में कर देंगे, 40,000 में कर देंगे, भैया सब झूठ। एक चीज है बढ़िया सा, जेन्युइन पार्ट डाल दें भैया। हाँ। ये चीज में हमको पूरा कोई दिक्कत नहीं हुआ, पार्ट में 100% जेन्युइन डाला है, ये हम खुश है भैया, सबसे बड़ी बात। तो भैया बाकी चीज में कहां क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन यहां हमारा जय ऑटो में भैया हमारे पास जेन्युइन डाला हुआ है, इतना खुश है हम। तो यही भरोसा लोगों का हमारे पास बनता जा रहा है क्योंकि हम जेन्युइन प्रोडक्ट यूज करते हैं, देख सकते हो आप सारे महिंद्रा के जो भी हमारे पास स्कॉर्पियो के पार्ट मिलेंगे आपको, महिंद्रा जेन्युइन मिलेगा, कोई भी आपको लोकल पार्ट नहीं मिलेगा। तो कोई भी भाई किसी भाई को आना, सोनू भाई के पास आ सकते हैं, अपनी गाड़ी को कन्वर्ट कराने बेस टू टॉप जय ऑटो रामा रोड। और एक चीज बोल देता हूँ भैया मैं, अगर कोई दिक्कत हुआ 6 महीने में भी आएंगे तो गाड़ी फिर से बना देंगे, आप लोग का कोई कंप्लेंट हुआ तो कंप्लेंट ये टेंशन मत लीजिए, कंप्लेंट पहले सुनते हैं भैया, बाकी काम नहीं नहीं मतलब कि जो चीज आज बना के लेकर गया है 2 महीने में उसको बोलेगा जेन्युइन चीज में कुछ दिक्कत आ जाता है तो हम बैठे भाई साहब बना देंगे, क्योंकि जेन्युइन चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगती है, कोई किसी में कमी नहीं है।